तो इसमें हम बात कर रहे थे किसकी, मिनिमम वेजेस एक्ट की हम बात कर रहे थे यूनिट थर्ड में। मिनिमम वेजेस एक्ट में हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस की, वेजेस क्या होते हैं, और पहले की तरह जो हमने बहुत सारी डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कमैन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वेज क्या होता है, वेज किस तरीके से रिवाइज किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ वेजेस एक्ट 1948। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू द वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्कर्स के वेजेस के बारे में। तो वर्कर्स के जो वेजेस हैं टाइम के अकॉर्डिंग उनके वेज को जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसने सेट कर दिया है कि भाई हमें वर्कर्स में वीकली इतना काम करवाना है और उसको मिनिमम इतना वेजेस देना है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस की बात हम करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब यहाँ पे हम मेन बात करें इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो जो हम बात करें 1947 से पहले के टाइम की बात करें, जब उस टाइम जो भी प्रैक्टिसेस होती थी वहाँ पे क्या है, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ऑफ वर्क। ठीक है, होल डे पूरा काम लिया जाता था लेकिन फेयर वेजेस बिल्कुल भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो भी हमारी जनता थी उसके ऊपर पड़ने लगा, वो अपना जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्हें प्रॉपर खाने की कमी थी, रहने के लिए मकान नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, पूरे दिन काम करने के बाद भी वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी पे ही पड़ने लगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा हम वेल डेवलप होंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, उतना ज़्यादा हमारे देश का हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब इस तरीके की प्रैक्टिसेस होने लगी और जो भी एम्प्लॉयर हैं वो फेयर वेजेस नहीं दे रहे थे और उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ने लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर एक मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 तैयार किया, जिसमें उन्होंने ये इंश्योर किया कि वर्कर्स को हम ना तो एक टाइम लिमिट से ज़्यादा काम करवा सकते हैं और ना ही उनको मिनिमम वेज से कम वेज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने उसने एक्ट तैयार किया। अब इस एक्ट में जो भी एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री एक्ट 1948 और फैक्ट्री मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर काम करेगा, और जितने भी वर्कर्स को वो हायर कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के लिए हायर करा है, उनको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस तो दिया जाएगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या है इसकी तीन कैटेगरी डिसाइड कर दी हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो तीनों कैटेगरी का अलग अलग वेज डिसाइड किया गया है और उन जिस भी कैटेगरी में जिस वर्कर्स को रखा जाएगा उसको उतना मिनिमम वेजेस एटलीस्ट दिया ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। तो मैं इन एक्ट के बेसिक्स के बारे में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि जब फाइनली हम किसी भी एक्ट को स्टार्ट करें तो आपको वो सारी चीज़ें पता हों जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे और आप एकदम एक फैमिलियर रहेंगे उस एक्ट से और आपको पता होगा कि हाँ इन एक्ट हमें इस एक्ट में ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, और साथ के साथ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन जितना भी सिलेबस है आप उसको सेल्फ में भी रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भाई एक्ट है क्या। थोड़ा आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरीके से जब मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा तो आप बहुत ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैं पहले सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम जब तक सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिवली अपने जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट आ जाइए यूनिट फोर्थ पे। यूनिट फोर्थ पे हम बात करेंगे किसकी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ESI। ESI जो एक्ट है जो मेनली किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस टू वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके उनकी मेडिकल इंश्योरेंस को इंश्योरिटी किस करता है ये एक्ट। ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको ड्यूरिंग वर्क कोई भी ट्रेजेडी उसके साथ हो रही है, उसको कोई डिसीज हो गया है। ठीक है, जैसे सपोज आपको आप किसी हैजार्डस प्रोसेस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फ्यूम्स उड़ रही हैं, तो जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्टेड हो गई है, तो जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको एम्प्लॉयर क्या करेगा, वॉच करेगा। ठीक है, और आपको टोटल मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा।
ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो हॉस्पिटल से टाई अप कर लेते हैं जहाँ ESI हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। यानी कि मेन जो क्या है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना वर्कर्स को, और एक तरीके से पूरा इंश्योरेंस उनको देना ताकि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इस तरीके से हम ये बात करेंगे हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, एम्प्लॉय PF, ठीक है, जो आपने सुना ही होगा प्रोविडेंट फंड 1952। इसमें हम बात कर रहे हैं वर्कर्स को फंड, वर्कर्स की सैलरी में से कुछ डिडक्शन, 12% डिडक्शन किया जाता है, उतना ही डिडक्शन क्या है एम्प्लॉयर करता है। इस तरीके से पूरा अमाउंट उसके PF अकाउंट में जमा किया जाता है जो उसके फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जाता है। तो ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जो एक टाइम के बाद क्या है आपको दी जाती है। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन है। और आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, थैंक यू वेरी मच।